पूरे मॉन्स्टरवर्स में ऐसा कोई नहीं जो गॉडज़िला किंग ऑफ द मॉन्स्टर का मुकाबला कर सके। वो बात अलग है कि किंग गिदोरा ने गॉडज़िला को लगभग मार ही दिया था, पर जब गॉडज़िला अपने बर्निंग स्टेट में आता है तब इसकी शक्तियों को संभालने की ताकत किसी में नहीं होती। अब चाहे सामने किंग गिदोरा हो या फिर कॉन्ग हो, पर क्या गॉडज़िला में इतनी शक्तियां हैं जो अपने यूनिवर्स से अलग किसी दूसरे यूनिवर्स में भी इसे किंग ऑफ द मॉन्स्टर कहलाने का लायक बनाता हो? क्या गॉडज़िला दूसरे यूनिवर्स के भी सबसे शक्तिशाली जीव को हरा सकता है, या गॉडज़िला सिर्फ मॉन्स्टरवर्स का ही किंग है? हम बात कर रहे हैं मॉन्स्टरवर्स से अलग मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की, जहां कई ऐसे शक्तिशाली जीव है जिसके तले पूरा गगन झुक जाता है, और उन्हीं शक्तिशाली जीवों में से एक है ओडिन पुत्र थोर, या जिसे आप तूफान का देवता कह सकते हैं। क्या थोर की शक्तियां काफी है मॉन्स्टर किंग गॉडज़िला को रोकने के लिए, या गॉडज़िला की न्यूक्लियर गर्मी से थोर जलकर तबाह हो जाएगा? तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को जरूर लाइक कर दें। सबसे पहले बात करें थोर की, तो ये ओडिन और फ्रिगा की संतान है तथा पूरे एस्गार्ड सहित अवेंजर टीम के सबसे शक्तिशाली कैरेक्टर्स में से एक है, क्योंकि थोर ने न सिर्फ आयरन मैन को बल्कि चाहे वो लोकी हो या हरा दैत्य हल्क, इसने सभी को धूल चटाया है। थोर को भले ही लगता था कि इसमें सारी शक्तियां म्योलनियर की वजह से ही थी, लेकिन जब इसे पता चलता है कि ये खुद शक्ति है, तब ये अपने प्री अवेकनिंग या प्री गॉड मोड में चला जाता है, और उस वक्त इसकी शक्तियां बिना हथौड़े के भी कई गुना ज्यादा बढ़ जाती है। प्री गॉड बनने के बाद इसमें शक्तियां इस हद तक बढ़ जाती है जिसने एक मर रहे तारे के चारों तरफ लगे निया वेल्लिर मशीन को भी अपनी शक्ति से शुरू कर देता है, और इस मशीन के आकार का अनुमान आप इसी बात से लगा सकते हैं कि जो पूरी सूरज को ढक सकता है वो कितना विशाल होगा। यानी थोर भले ही आकार में किसी सामान्य इंसान की तरह हो, लेकिन इसकी ताकत बड़ों बड़ों को भी झुका देती है। एंड गेम में दिख चुका थोर में भी इतनी ताकत होती है जो थैनोस के कई हमलों की वजह से लगभग मूर्छित होने के बावजूद भी वो थैनोस द्वारा स्टॉर्म ब्रेकर से किए हमले को भी काफी देरी तक रोक लेता है, जबकि थोर जमीन में लेटा हुआ था और थैनोस खड़ा होकर उस पर अपनी पूरी ताकत झोंक देता है, लेकिन थोर थैनोस को उसके मकसद में कामयाब नहीं होने देता। वैसे इस अवस्था में भी थोर अपनी पूरी ताकत से नहीं लड़ पा रहा था, क्योंकि उसके अंदर छिपा गम उसे कमजोर बना देती है। खैर, ताकत के अलावा इसके ड्यूरेबिलिटी की बात कर ले तो थोर जब रेनबो ब्रिज के मध्य में खड़ा होता है तब उस ब्रिज में हुए धमाके से भी थोर को एक खरोच भी नहीं आती। थैनोस जब अपने पावर स्टोन से थोर के सिर पर हमला करता है तब भी पावर स्टोन थोर को मार नहीं पाती। इस पर आयरन मैन ने भी शक्तिशाली अटैक किया है, हल्क ने भी इसे जब चाहे धोया है, उसके बावजूद भी इसके चेहरे पर हंसी ही रहती है। यहाँ तक कि जब हल्क थोर के हेलमेट को तोड़ते हुए उसके सिर पर पूरी ताकत से हमला करता है तब भी थोर इस हमले पर उतना ध्यान नहीं देता, और अंत में बिना किसी हथियार के ही वो हल्क को अपनी ताकत का परिचय करवाता है। यहाँ तक कि अल्ट्रॉन भी इस पर कई हमले करता है तब भी थोर को कुछ नहीं होता, पर इसकी असल ड्यूरेबिलिटी का अनुमान आप ऐसे लगा सकते हैं कि इसने एक न्यूट्रॉन स्टार की गर्मी को भी कुछ मिनट के लिए सहा है। हथियार पास होने पर थोर से जीत पाना लगभग सभी जीवों के लिए मुश्किल हो जाता है। यही वजह है कि इसने थैनोस के इन्फिनिटी स्टोन के पावर को काटते हुए अपनी कुल्हाड़ी से थैनोस की छाती को लगभग चीर देता है। यहाँ तक कि इसकी स्टॉर्म ब्रेकर के सहारे ये थैनोस के गर्दन को पल भर में उड़ा देता है। कुल्हाड़ी के अलावा इसकी सुपर पावर है बिजली, जिसके ताकत से कई लिवाइथन सेना मिट्टी में मिल जाते हैं। इसी की बिजली से आयरन मैन का सूट पूरी तरह से चार्ज हो जाता है, और थोर की ही बिजली से वाइब्रेनियम का बना अल्ट्रॉन भी पिघलने लगता है। जब ये अपनी बहन हेला पर बिजली से अटैक करता है तब वो भी सदमे में चली जाती है, और इसी की बिजली से थैनोस के कई सैनिक भी मारे जाते हैं। इसके अलावा थोर कहीं भी उड़कर आ जा सकता है, वो भी लगभग बिजली के रफ्तार से। इसकी एजिलिटी बेहद ही कमाल की मानी जाती है, इसलिए ये कई हमलों से खुद को डॉज करके बचा सकता है। इसकी म्योलनियर मंत्रों से बनी हुई है, इसलिए इस हथौड़े को सिर्फ वर्दी पर्सन ही उठा सकते हैं। वहीं बात करें मॉन्स्टर किंग गॉडज़िला की, तो इसका नाम लेते ही सभी को इसके एटॉमिक ब्रेथ या न्यूक्लियर बीम या रेडियो एक्टिव एटॉमिक रे की याद आती है, क्योंकि यही अटैक इसका सिग्नेचर अटैक है। गॉडज़िला की डॉर्सल प्लेट जब हमला करने से पहले चमकने लगती है
तब उसके बाद गॉडज़िला के मुंह से निकलने वाली गर्मी सूरज के गर्मी को भी पीछे छोड़ देती है। यहाँ तक कि गर्म होने के साथ साथ इसका हमला इतना जोरदार होता है जिससे चीजें कई किलोमीटर दूर जा गिरती है। इस खतरनाक हमले का ताकत तो इस हद तक होता है जिससे धरती पर कई किलोमीटर गहरा गड्ढा बन जाता है। ऊपर से इसमें रेडिएशन इतनी अधिक होती है जिसकी मात्रा हवा से ही इंसान भीतर से गलकर मारा जाता है। गॉडज़िला अपनी ताकत और एटॉमिक ब्रीथ को तब और भी बढ़ा सकता है जब यह धरती के रेडिएशन एटॉमिक बॉम्ब के एक्सप्लोजन या लाइफ एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। यहां तक कि पूरी ताकत मिलने पर यह अपने बर्निंग स्टेट में चला जाता है और तब इसके न्यूक्लियर पल्स के हमले को रोक पाना भी नामुमकिन हो जाता है। इसकी जलती शरीर से आसपास की इमारतें और लोहे भी पिघलने लगते हैं। यहां तक कि इसके न्यूक्लियर पल्स से किंग गिदोरा पूरी तरह से कमजोर हो चुका था, लेकिन बर्निंग स्टेट में गॉडज़िला में इतनी ताकत आ जाती है जिसके मात्र कदम पड़ने से ही किंग गिदोरा वहीं मारा जाता है। इसकी नॉर्मल एटॉमिक ब्रीथ ही इतनी खतरनाक होती है जिससे म्यूटो भी खुद को संभाल नहीं पाता, लेकिन इन सभी स्पेशल पावर्स के अलावे फिजिकली भी ये इतना शक्तिशाली होता है जो अपने से भी बड़े और भारी जीवों को मार सके। वैसे तो ये 120 मीटर ऊंचा और लगभग लाख टन भारी है, पर फिर भी ये अपने से विशाल और भारी किंग गिदोरा को भी हैंड टू हैंड कॉम्बैट में हरा चुका है। इसने शक्तिशाली कॉन्ग पर भी अपने फिजिकल पावर का उपयोग करके उसे याद दिला दिया कि वो अपने एटॉमिक ब्रीथ के बिना भी बहुत कुछ कर सकता है। गॉडज़िला ने फिजिकली ही मेल म्यूटो तथा फीमेल म्यूटो को एक साथ संभाला था और अपने टेल स्वाइप से ही मेल म्यूटो की जान ले ली थी। गॉडज़िला के विशाल तथा भारी भरकम होने के कारण इसके चलने मात्र से ही भूकंप आने लगते हैं। समुद्र से निकलने पर सुनामी आ जाती है, इसलिए फिजिकली भी ये काफी ज्यादा शक्तिशाली है। बात करें गॉडज़िला के ड्यूरेबिलिटी की, तो ये इतना ड्यूरेबल है जिसने समुद्र के अंदर रहकर अपने ऊपर पड़ रहे पानी के प्रेशर को काफी सालों तक सहा है। इस पर इंसानी हथियारों का मानो कोई असर ही नहीं होता। विनाशकारी एटॉमिक बॉम्ब भी इसे मारने के बजाय इसकी ताकत को और बढ़ा देती है, और इसने किंग गिदोरा के कई ग्रेविटी बीम के अटैक को भी सहा है, इसलिए इसकी ड्यूरेबिलिटी का कोई लिमिट नहीं। ड्यूरेबल होने के साथ साथ ये खुद को रीजनरेट कर सकता है, यानी इसे चोट लग जाए तो इसे खुद को हील करने में ज्यादा वक्त नहीं लगता। इसकी बुद्धि भी कमाल की मानी जाती है। वैसे इसकी बुद्धि थोर के आगे काम नहीं आएगी, यानी सभी बातों की तरफ ध्यान दिया जाए तो पता चलता है कि थोर शक्तिशाली तो है, पर इतना भी नहीं कि वो गॉडज़िला का मुकाबला कर सके। हालांकि प्री अवेकनिंग थोर गॉडज़िला को कुछ हद तक टक्कर दे सकता है, पर बर्निंग स्टेट वाला गॉडज़िला का टक्कर दे पाना थोर के बस का नहीं। वैसे थोर ने न्यूट्रॉन स्टार की गर्मी को कुछ मिनटों के लिए सहा है, जिसके बाद वो काफी कमजोर हो चुका था। ऐसे में गॉडज़िला की 3 से 4 एटॉमिक ब्रेथ को सह पाना थोर के लिए काफी मुश्किल हो जाएगा। वैसे कॉमिक्स वाला थोर इतना शक्तिशाली है जिसके सामने गॉडज़िला भी नहीं ठहरता। खैर, आप अपनी राय इस पर हमें लिख सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।